प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं हमारे पास और हमारे पास इंडिया में सबसे बड़ी स्टोन्स की रेंज है, 250 से भी ज़्यादा। हमारी ऑल ओवर इंडिया भी डिलीवरी है जो कि फ्री शिपिंग है, और ऑल ओवर वर्ल्ड भी हमारी वेबसाइट से हम शिप करते हैं और वो भी फ्री शिपिंग है। सारे नेचुरल होते हैं, ऐसे ही निकलते हैं ज़मीन से, इनको जियॉड्स बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए घर में लोग रखते हैं, अपने ऑफिस में प्लेस करते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे और ये सब हम देखते हैं, ये सब नेचुरल ऐसे ही चमकते हैं। देखिए इसका लस्टर जो है बिल्कुल नेचुरल है, इसको पायराइट बोलते हैं। ये जो चीज़ है ये सारी की सारी स्टोन की ज्वेलरी बनी हुई है, ये रिंग्स हैं स्टोन्स की, ये स्टोन्स के पेंडेंट्स हैं, ये लैब्राडोराइट स्टोन है, आप देख रहे हो इसके ऊपर फायर, ये नेचुरल फायर होती है इसी तरह, और ऐसे ही ये चमकता है। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, ऊपर ईलाई के ट्रीज पड़े हुए हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए रखे जाते हैं अपने टेबल्स पर, उसके ऊपर स्टोन नेचर बनाती है। देखो ये पीस है, इसमें नेचुरल टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है, ऐसे लग रहा है ये ग्राउंड है पूरा। टंबल स्टोन्स बोलते हैं, और तकरीबन 225 तरह के टंबल स्टोन्स अवेलेबल हैं हमारे पास। फैमिली एक बार दोबारा न्यू डी लेके आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल पे आपको क्लोथ्स का वेयर हाउस दिखता है, शूज़ का शोरूम दिखता है, पर लेकिन हम एक ऐसे वेयर हाउस, ऐसी गुफा, ऐसी जगह आ चुके हैं, ढूंढने में भी नहीं मिलती पर बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढ निकाली है। ये जो वीडियो है, ये टॉपिक है, ये उन लवर के लिए है जिनको स्टोन की पहचान है, क्या क्या यहाँ पर मटीरियल अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमारे साथ हैं ओनर। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। सर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत अलग अलग कैटेगरी में स्टोन्स बने हुए हैं, तो ये स्टोन्स अपने आप में क्या इम्पोर्टेंस देते हैं, क्यों रखा जाता है, और आपने शॉप क्या सोच के ओपन करी? हमारा जो शोरूम है इसका नाम है रेकी क्रिस्टल प्रोडक्ट। हाँ जी। बेसिकली हम हीलिंग स्टोन्स में डील करते हैं, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं हमारे पास। ओके। और हमारे पास इंडिया में सबसे बड़ी स्टोन्स की रेंज है, 250 से भी ज़्यादा तरह के हीलिंग स्टोन्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे, और हर स्टोन में तकरीबन हर तरह की आइटम हमारे पास अवेलेबल है, नेचुरल स्टोन से लेके रॉ स्टोन्स, टंबल स्टोन्स, क्लस्टर्स, जियोड्स, ब्रासलेट्स, मालास, पेंडेंट्स और सब कुछ। इसके अलावा जितनी फेंगशुई की रेमेडीज़ होती हैं, वास्तु की रेमेडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। रॉक सॉल्ट लैम्प्स हो गए, असेंशियल ऑयल्स हो गए, विंड चाइम्स हो गई, और कोई भी तरह का, जो भी कोई तरह का पत्थर ढूंढ रहा हो, स्टोन ढूंढ रहा हो हीलिंग के लिए, वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल मिलता है होलसेल। ठीक है, आपने बताया होलसेल में, तो ये हम जिस शोरूम में आ रखे हैं यहाँ पर सिर्फ होलसेल करते हैं? यहाँ पे हमारा सारा होलसेलिंग का कॉन्सेप्ट है, बट हम रिटेल में भी दे देते हैं, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल रिटेल में एक दो पीस लेने हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकता है, www.rekicrystalproducts.com, उसमें एक पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी मिलेगा और फ्री शिपिंग है। तो अगर किसी को ज़्यादा स्टोन्स लेने हैं, होलसेल में लेने हैं, तो वो शोरूम विजिट करें, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन पे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए शोरूम पे, वेबसाइट पे जाके। तो रीसेलर भी मोस्ट वेलकम है। साथ साथ एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो आपकी डिलीवरी रहती है वो ऑल ओवर इंडिया रहती है, ऑल ओवर वर्ल्ड रहती है? हमारी ऑल ओवर इंडिया भी डिलीवरी है जो कि फ्री शिपिंग है, और ऑल ओवर वर्ल्ड भी हमारी वेबसाइट से हम शिप करते हैं और वो भी फ्री शिपिंग है। ठीक है। वैसे सर ये हम जिस शोरूम खड़े हैं, ये शोरूम का क्या एड्रेस पड़ेगा? ये शोरूम मेरा MP मॉल पीतमपुरा में है, थर्ड फ्लोर पे 307 नंबर है इसका, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नेताजी सुभाष पैलेस, तो वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हो। और जिसको कुछ नहीं लेना, स्टोन्स की पहचान देखना है, अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो देखने को भी नहीं मिलती, तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। लिख के दूंगा, अगर आप सिर्फ विंडो वॉक भी करने आएंगे तो कन्फर्म्ड है कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि अंदर घुसते ही आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आनी है, और सर के काफ़ी नॉलेज है। सर एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करके आपको किस पर्पज़ के लिए क्या प्रोडक्ट चाहिए सर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस मेंशन है, आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है सर आपकी फुलफ़िल करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे सर के साथ, स्टार्टिंग हम करेंगे स्टोन्स लगे हुए हैं, ये नेचुरल स्टोन्स हैं, इससे शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं और हम दिखाएंगे कि इस शोरूम के अंदर आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, क्या रेंज आएगी और उसका पर्पस क्या है। तो सर स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हम क्या देखेंगे?
ये सारे के सारे नेचुरल स्टोन्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्लस्टर्स एंड जियोड्स। ये एमेथीस का जियोड है जो आप देख रहे हो, और पीछे सिट्रीन पड़ा हुआ है येलो कलर का। ओके, तो ये स्टोन नेचुरल होते हैं? ये सारे नेचुरल होते हैं, ऐसे ही निकलते हैं ज़मीन से। इनको जियोड्स बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए घर में लोग रखते हैं, अपने ऑफिस में प्लेस करते हैं। ओके, तो इसमें अलग अलग साइज हम देख पा रहे हैं। हाँ, और दो कलर है हमारे पास, बेसिकली तीन है शायद, एक पीछे भी है शायद। हाँ, वो ग्रीन कलर का स्टोन है, ग्रीन फ्लोराइड बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये जितने भी स्टोन हैं तकरीबन 4-5 किलो से लेकर 20-22 किलो तक के ये पीसीज हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सर इनकी अगर प्राइसिंग अगर हम जाने तो क्या प्राइस आप कोट करते हैं? प्राइस इसका क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जनरली अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 500-600 रुपये किलो से स्टार्ट हो जाते हैं स्टोन्स के क्लस्टर्स। ओके, तो ये 500-600 जो हम ये लाइन देख रहे हैं ये भी, और जो नीचे हैं ये भी सर इसी लाइन में? नहीं, इसमें पीस टू पीस अलग रेट होता है। मैं आपको एक जनरल प्राइसिंग बता रहा हूँ, जैसे ये वाले प्राइसिंग है तकरीबन ये 500-600 रुपये से शुरू से हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग पीसेस के अलग रेट हैं। ठीक है, कुछ हम ये छोटे छोटे स्टोन्स देख पा रहे हैं, ये भी सारे नेचुरल स्टोन्स क्लस्टर्स हैं, इसको रोज क्वार्ट्स बोलते हैं। इसके बाद ये क्लियर क्वार्ट्स है। ओके, ये एज्यूराइट है। सबका सर कोई ना कोई पर्पस, सब पर्पस पे है, वास्तु फेंग शुई पे, न्यूमरोलॉजी वास्तु और एस्ट्रोलॉजिकली रखे जाते हैं। ये सेलेनाइट है, और ऐसे ही आगे ये क्वार्ट्स हैं सारा का सारा। ये सब क्वार्ट्स के नेचुरल क्लस्टर हैं, आप देखो कितने बढ़िया उसमें पॉइंट्स निकले हुए हैं, पेंसिल्स, तो ये ऐसे के ऐसे ही निकलते हैं। तो नेचुरल है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद या दिल्ली में तो मुझे लगता है सर शायद आप ही हैं जितना बड़ा आपका सेट। नहीं, आपको ये जितना मेरे पास रेंज है पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं मिलेगी। इंडिया में सबसे बड़ी स्टोन की रेंज है हमारे पास, 250 से भी ज़्यादा तरह के हीलिंग क्रिस्टल्स और स्टोन हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ। तो बेसिकली हम स्टोन की अगर बात करिए तो हीलिंग स्टोन कहेंगे हम इनको, हीलिंग स्टोन, बिल्कुल हीलिंग स्टोन हैं। और बाकी ये भी हम एक खूबसूरत स्टोन लग रहा है सर, काफ़ी अच्छा, इसको सिट्रीन बोलते हैं। हर स्टोन का कोई ना कोई पर्पस है और अलग अलग साइज में है। हाँ, ये डिपेंड करेगा हमारा किलो के हिसाब से। ये एमेथीस का टेबल पीस है, इसके ऊपर आप ग्लास रख के एक टेबल बना सकते हैं अपना, साइड टेबल या सेंटर टेबल। ओके, तो इस तरह से ये भी सर किलो के हिसाब से चलते हैं? हाँ जी, किलो के हिसाब से आते हैं सारे के सारे। इसमें अलग अलग साइज हैं, जैसे एक ये साइज है, एक सर एक ये भी अलग साइज लगा हुआ। हाँ, ये भी अलग साइज लगा हुआ है, इसमें कई सारे पीसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, उसके बाद ये पायराइट है, पायराइट स्टोन है ये। सर ये चमक रहे हैं, ये नेचुरल चमक रहे हैं? हाँ जी, ये नेचुरल चमक रहे हैं, ये ऐसे ही होते हैं बिल्कुल। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी सर एक यूनिक आइटम हम देख रहे हैं, स्टोन्स वगैरह आज तक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, और ये सब हम देख ये सब नेचुरल ऐसे ही चमकते हैं। देखिए इसका लस्टर जो है बिल्कुल नेचुरल है, इसको पायराइट बोलते हैं। ओके, सर ने स्टार्टिंग करी है 500 रुपये किलो, जरूरी नहीं है कि हर एक स्टोन 500 रुपये किलो से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होता है उससे, उसके बाद तो जो भी रेंज, हर पीस का अपना अलग रेट होता है, जिस हिसाब से जो वेट है रेट है उसके हिसाब से मिल जाएगी जो चीज़ है। कुछ और हम सर यहाँ पे देख लेते हैं, ये सर वही कैटेगरी है बस का साइजिंग का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस है, अलग अलग पीसेज हैं, और ये सब होलसेल के प्राइसेस पे मिल जाते हैं, तो जो प्राइसिंग हम आपको देंगे वो बेस्ट होलसेल प्राइसेस होंगे। ठीक है, बट सबके डिफरेंट होंगे। ओके, ये सारे आप जितना भी हम स्टफ दिखा रहे हैं आज की वीडियो में वेबसाइट में सब मेंशन होगा? हाँ, वेबसाइट पे सारे डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, पर और दिल्ली वाले हैं जो दिल्ली के बाहर विजिट भी करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, एड्रेस मेंशन है। सर हम माला देख पा रहे हैं? ये सारी की सारी हीलिंग स्टोन्स की माला है, इसमें हमारे पास हर तरह के नेचुरल स्टोन्स में अवेलेबल है, और तकरीबन 200 तरह के स्टोन्स में आपको पास माला मिल जाएंगी। ये जो आप इस टाइम देख रहे हो ये 8 mm का साइज है, इसको हम ग्रीन जेड बोलते हैं। ये ग्रीन एवेंचुरीन स्टोन है, उसके बाद ये ब्लैक टर्मलिन है। ओके, ये रोज क्वार्ट्स है, इसको स्टोन ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से हर तरह का स्टोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। okay, और पूरी की पूरी ये माला की रेंज लगी हुई है, काफ़ी ह्यूज रेंज है आपके पास, और हर mm के साइज से वो शायद मोटा 6 mm से स्टार्ट हो जाती है माला हमारे पास, और तकरीबन आपको 12-16 mm तक की मालाज मिल जाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट स्टोन में अलग अलग साइजेज आते हैं, तो जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट हो वो मिल जाती है। माला के साथ साथ हम देख पाते हैं कुछ और डिफरेंट डिजाइन में भी माला है हमारे पास। हाँ, इसको बोलते हैं चिप मालास, इसमें तकरीबन हमारे पास 125 तरह के स्टोन्स हैं। इसको स्मोकी क्वार्ट्स बोलते हैं, ये सन, ये मून स्टोन है, उसके बाद ये ब्लू लेस है, ये मल्टी टर्मलिन है, ये एमेथीस्ट है, ऐसी सब स्टोन्स के नाम है, और तकरीबन इसमें 150 तरह के स्टोन्स की चिप मालाज लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम और देख लेते हैं सर, यहाँ पे बैंड्स हैं हमारे? ये हाँ, ये सारे के सारे ब्रासलेट्स हैं इसी तरह के स्टोन्स में। ये रोज क्वार्ट्ज स्टोन का ब्रासलेट है, ये मेलाकाइट है, और बहुत एक्सटेंसिव रेंज है ब्रासलेट्स की हमारे पास। तकरीबन 1500 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस अवेलेबल हैं ब्रासलेट्स में। ठीक है, और स्टोन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 200 से भी ज़्यादा तरह के आपको स्टोन्स मिल जाएंगे ब्रासलेट पे, और ब्रासलेट्स में सब हीलिंग स्टोन्स मिल जाएंगे नेचुरल,
और 50 रुपए की रेंज से आपको ब्रेसलेट शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसी जैसी क्वालिटी, जो जो चीजें आपको चाहिए आप देख सकते हो, हर एक चीज, हर एक स्टोन में भी 10-10, 15-15 डिजाइन मिल जाएंगे। ये सोडा लाइट है, दिस इज लैपिस लजुली, ग्रीन अवेंचुरीन, ये ऊपर रेड जैस्पर है, ये कार्नेलियन स्टोन है, ये हेमाटाइट है, फिर हम अगर आगे आते हैं तो ये ब्लैक टर्मलिन है, ये रोज क्वार्ट्ज है, ये सिट्रीन स्टोन है, ये टाइगर आई स्टोन है, ये सेवन चक्र है। तो हर तरह के स्टोन्स हैं, जिनको स्टोन्स की नॉलेज है, जिनको सोन के बारे में पता है, वो उनके लिए तो ये बहुत बूम है। तो काफ़ी नॉलेज आपने ले रखी है सर, है ना? जी, हमारा होलसेल का कॉन्सेप्ट है, तो हर स्टोन की क्वांटिटी आपको बेस्ट होलसेल प्राइसेस में मिल जाएगी और हर स्टोन में हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं सर आगे, इसके बाद हम क्या कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं इसके बाद? इसके बाद ये ऑर्गोनाइट्स हैं, ये ऑर्गोनाइट के पिरामिड्स हैं सारे के सारे। इसको भी अलग अलग पर्पसेस पे लोग अपने घर और ऑफिस में प्लेस करते हैं। इसके बाद ये कैम्फर लैंप्स हैं सारे, ये ब्रास के बने हुए हैं कैम्फर लैंप, ये भी क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं घर में। फिर ये रॉक सॉल्ट लैंप्स की रेंज आ जाती है पूरी की पूरी। इसमें तकरीबन हमारे पास 25 डिज़ाइंस मिल जाएंगे और 1.5 किलो से शुरू हो जाएगा लैंप, और जितना भी आपको चाहिए वजन का, बड़ा छोटा जैसा भी मिल जाएगा। ये इसके ऊपर पड़ा है, ये ह्यूमिडिफायर है, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स डाले जाते हैं और ये पूरे के पूरे घर को ह्यूमिडिफाई करता है। ठीक है, तो ऑयल की बात कीजिए सर, आप ऑयल भी रखते हैं सारे? हाँ, ऑयल्स भी मिल जाएंगे, एसेंशियल ऑयल्स की पूरी रेंज है हमारे पास, वो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमने देखा। इसके बाद सर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपने काफी अलग अलग वैरायटी रखी हुई है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये जो चीज है, ये सारी की सारी स्टोन की ज्वेलरी बनी हुई है, ये रिंग्स हैं स्टोन्स की, ये स्टोन्स के पेंडेंट्स हैं, ये लैब्राडोराइट स्टोन है, आप देख रहे हो इसके ऊपर फायर, ये नेचुरल फायर होती है इसी तरह, और ऐसे ही ये चमकता है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखिए, देखना चाहेंगे ये देखो, एक सेकंड, हाँ जी सर, ये देखो, तो ये नेचुरली ऐसे ही चमकता है, इसको लैब्राडोराइट बोलते हैं। तो ये उसका पेंडेंट है, इसमें जो रेंज लगी हुई है, ये ब्रेसलेट्स की रेंज है, पेंडेंट्स की, और अलग ज्वेलरी की सारी रेंज इसमें लगी हुई है। काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है और काफ़ी वैरायटी के साथ आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि इतना कुछ हमें एक इन हाउस देखने को मिल रहा है। ये सर जैसे आपने टेबल दिखाया था उसका एक और, हाँ ये भी एमेथीस का टेबल है, सेंटर टेबल है, साइड टेबल, इसके ऊपर आप ग्लास रख के इसको यूज़ कर सकते हो। ये होम डेकोर की आइटम है, हीलिंग में भी यूज़ होती है, और आप इसको वैसे भी किसी पर्पज़ पर अपने घर पर रख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं पीछे सर कैंडल्स हैं। हाँ, ये कैंडल्स की रेंज है, ये सारी की सारी पर्पस कैंडल्स हैं, अरोमा कैंडल्स भी हैं और बिना अरोमा के कैंडल भी हैं, और ये भी आप पूरी की पूरी हमारे पास रेंज मिल जाती है। 2 इंच का पिलर कैंडल है, टी लाइट कैंडल हो रहे हैं, 3 इंचेस हैं, 4 इंचेस, 5 इंचेस, उसके बाद जार कैंडल्स, तो ये पूरी कंप्लीट रेंज है कैंडल्स की हमारे पास। ओके, इनकी कॉस्टिंग आ जाती है प्रॉप सर? ये भी तकरीबन 50 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, 50 रुपए से कैंडल शुरू है। हाँ जी सर, इसके बाद सर? इसके बाद यहाँ पे ये सारे के सारे इन्हीं हीलिंग स्टोन्स की फिगर्स बनी हुई हैं। ये गणेशा हैं ग्रीन जेड के अंदर, ये ग्रीन अवेंचुरिन स्टोन के अंदर हैं, ये रोज क्वार्ट्ज है, उसके बाद ये टाइगर्स आई है। ठीक है, और आप शुरू में देखोगे तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है, जिसको हम हिंदी में स्फटिक भी बोलते हैं, तो ये उनके गणेशा बने हुए हैं। इसमें हर तरह की फिगर्स मिल जाती है हमारे पास स्टोन्स में, जैसे ये यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं स्टोन्स के अंदर, ये भी सब स्टोन्स में मिल जाएंगे। फिर ये मैडरिन डक्स हैं, रोज क्वार्ट्ज के अंदर बनी हुई हैं, ग्रीन जेड की प्लेट के ऊपर है, और आप ये देखो ट्विन हार्ट्स हैं, हार्ट्स हैं ये रोज क्वार्ट्ज के, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए लोग रखते हैं। ये ट्विन हार्ट हैं, एक ही पीस में से कार्विंग करके 2 हार्ट बने हुए हैं। तो इस तरह की हर तरह की चीज़ें, ये सब फिगर का सेक्शंस हैं। यहाँ पे नीचे हाथी बने हुए हैं सारे के सारे। ओके, फिर ये टॉर्टोइज हैं इसके, ये भी सब हीलिंग स्टोन्स के हैं। ये श्री यंत्र हैं, ये भी सब हीलिंग स्टोन्स के ऊपर ही बने हुए हैं, स्वेटिक है, क्लियर क्वार्ट्ज। ठीक है, तो अप्रोक्स बात की जाए तो मिनिमम हमारे यहाँ पे 50 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट। हाँ, और गोज अप टू जो आप बाई करना चाहते हैं किलो के हिसाब से, जो भी होगा उस तरीके। ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे पास हीलिंग स्टोन्स में है वो ग्राम पे और किलो पे आती हैं, और जो पीसीज वाले हैं वो पेंडेंट्स हो गए, माला ब्रासलेट्स हो गए, वो पेंडेंट्स, वो सब पीसीज पे आते हैं, बाकी तो सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी डिज़ाइन देखे सर, ऊपर भी देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छे। हाँ, ये जो है ये अभी मैंने आपको पायराइट दिखाया था, उसी का पीस पड़ा हुआ है, और इसके बाद इसके ऊपर जो पड़ा हुआ है वो सिंगिंग बाउल्स हैं सारे। ओके, ये सिंगिंग बाउल्स हैं, और
इसमें हम साउंड हीलिंग के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, सिंगिंग बाउल्स हैं, बेल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन हमारा फेंगशुई आइटम्स का सेक्शन है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये तो सब हीलिंग स्टोन्स हैं। ये देखो आप, एक बड़ी लेटेस्ट चीज़ है, हीलिंग स्टोन की कंघी बनी हुई है, कॉम। तो ये सिर पे कंघी करने के लिए है, तो ये भी अपने आप में बहुत आजकल लेटेस्ट आइटम है जो हमने बनाई है। ठीक है, तो ये सर इसके हम कॉस्ट डालना चाहेंगे, ये 1500 रुपये की रेंज में आती है। ठीक है, इससे मतलब बाल नहीं झड़ेंगे? नहीं, बाल तो झड़ेंगे, जनरली एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो ऊपर से सेक्शन स्टार्ट है, ये सारा फेंगशुई का सेक्शन है। ओके, ये सारी की सारी फेंगशुई की रेमेडीज़ हैं, जिसमें हम बुद्धास बोलते हैं, लाफिंग बुद्धास हो गए, वेल्थ बुद्धा, ड्रैगन बुद्धास, ये सारी की सारी पूरी रेंज है हमारे पास फेंगशुई की। ये लोटस हैं क्रिस्टल के, रिवॉल्विंग, तो ये आप देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो काफ़ी कुछ हमारे पास। ये एजुकेशन टावर्स हैं, ये सारी फेंगशुई की रेंज है, पूरी की पूरी फेंगशुई की रेमेडीज़ हैं ये सारी की सारी। ओके, अक्सर लोग घर पर रखते हैं पॉजिटिव वाइब्स के लिए। हाँ, पॉजिटिव वाइब्स के लिए फेंगशुई के बारे में लोग यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, गूगल पे भी पढ़ते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में हम होलसेलिंग करते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको होलसेल प्राइस पे हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, ये ब्रास का सेक्शन है। इसके अंदर आपको वास्तु में जो ब्रास की रेमेडीज रखी जाती हैं वो सारी मिल जाएंगी। ठीक है, इनकी सर क्या स्टार्टिंग हो जाती है? ये रेमेडीज हैं, डिपेंड करता है पीस टू पीस पे, साइज़ के हिसाब से ये आते हैं। तो इसके अंदर बेसिक है कि किसको क्या चाहिए उसके हिसाब से प्राइसिंग है, कोई जनरल प्राइसिंग हम इसमें दे नहीं सकते। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, स्टोन्स, ब्रास, हर एक चीज़ आपने सर एक इन हाउस में रखा हुआ है। हाँ, ये सब पर्पज़्ड है, किसी ना किसी पर्पज़ पर रखा जाता है। इसके ऊपर ईविल आई के ट्रीज पड़े हुए हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए रखे जाते हैं अपने टेबल्स पर। उसके ऊपर स्टोन के ट्रीज हैं, ये आप एक जनरल पर्पज़ पे गिफ्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपने घर पे भी रख सकते हो, तो उसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, तो इसके बाद सर यहाँ पे भी कुछ स्टोन, ये सारी की सारी हमारे पास जेम स्टोन्स की रेंज है होलसेल में। ठीक है, हम सारे जो रतन होते हैं जो उंगलियों में पहनते हैं लोग, स्टोन, जेम स्टोन्स बेसिकली, उनके अंदर भी होलसेलिंग करते हैं। तो ये हर तरह के जेम स्टोन्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, काफ़ी वैरायटी है हमारे पास। ये सारी की सारी सिल्वर की रेंज है, ये सिल्वर की रेंज है सारी, तो पूरी की पूरी सिल्वर की ज्वेलरी की रेंज है। ये सब प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स में है। ओके सर, पीछे और पिरामिड पड़े हैं हमारे पास। हाँ, ये सारे के सारे पिरामिड्स हैं स्टोन्स के, और ये भी सारे के सारे रेकी हीलिंग के अंदर, वास्तु के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और वो सब पूरे के पूरे हर तरह के स्टोन्स के ऊपर ये पिरामिड्स आपको मिल जाएंगे। इसमें हमारे पास 10 mm से पिरामिड शुरू हो जाता है, और तक्रीबन 200 mm तक का, 150 mm तक का पिरामिड मिल जाता है आराम से। सर इनकी कॉस्टिंग अगर अप्रॉक्स माने स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ तक? अगर हम 10 mm की बात करते हैं तो 20-25 रुपये पीस से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर जो बड़े पीसेज हैं ये सब वेट पे आते हैं, जितना साइज उसके हिसाब से उसका प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, तो बहुत अलग अलग वैरायटी इन्होंने मेंशन करी है। इसके बाद सर ये स्पेसिमेंस हैं टेबल पर रखने के लिए, पीसीज हैं। ये जो स्टोन आपको दिख रहा है इसको कार्नेलियन बोलते हैं, और उस पर इसको अपना पॉजिटिव एनर्जी के लिए रखा जाता है। उसके बाद ऊपर ये सारे के सारे डैंगलर्स हैं चांदी के अंदर, सेमी प्रेशर स्टोन्स के अंदर ये सब बने हुए हैं, रिंग्स हैं। और सर ये काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन लग रहा है। ये टावर्स हैं सारे के सारे, ये रोज क्वार्ट्ज़ का टावर है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और ये सब हीलिंग्स के अंदर टावर्स यूज़ किए जाते हैं, रेकी हीलिंग के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद सर ये बॉक्स बना हुआ है कुछ? हाँ, ये मेलाकाइट स्टोन है, उसका बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर कोई अपनी विश रख सकता है या कोई अपनी फ़ोटो रख सकता है हीलिंग के लिए, तो ये एक मेलाकाइट का बॉक्स है। काफ़ी अच्छा बॉक्स है, और ये मार्बल का है? नहीं, इसका स्टोन का नाम है मेलाकाइट। अच्छा, मेलाकाइट। हाँ जी। ओके, तो इसके बाद आगे देखते हैं हम सर, ये बॉल्स हैं काफ़ी? ये सारे के सारे बॉल्स हैं, स्फीयर्स हैं हर स्टोन के अंदर। इसमें भी हमारे पास तकरीबन 150-200 तरह के स्टोन्स पे बॉल्स मिल जाएंगी। 20 mm से साइज स्टार्ट हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली जितना भी आपको चाहिए छोटा बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी सर एक स्टोन देख रहा हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा एक स्टोन है। हाँ, इसको ये मेडागास्कर क्वार्ट्ज़ है, और ये नेचुरल क्वार्ट्ज़ ऐसे ही निकलता है। और आप देखोगे इसका एक ये पीस है, पूरा का पूरा बंद पीस है, और बिल्कुल एक फॉल्ट लाइन है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको अभी खुला भी नहीं है पूरा, ये अंदर से देखिए कैसे उसके पूरे क्लस्टर्स हैं। ये कुदरत देखो बनाती कैसे है, कि बंद पीस के अंदर कितनी पेंसिल्स बनी हुई हैं, और जब आप देखो तो इसको कितना अंदर से एनर्जी से भरा हुआ है ये। ठीक, तो
उसके बाद और देखते हैं, कंसेप्ट हमारे पास काफ़ी है आज की वीडियो में, तो ये भी हम देख, इसके बाद आप आगे देखोगे तो ये लैब्राडोराइट स्टोन है, ये उसके स्पेसिमेंस हैं जो कि टेबल्स पर रखे जाते हैं, और ये बड़ी बड़ी बॉल्स हैं क्वार्ट्ज की, ये बिग साइज बॉल्स हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, तकरीबन 6-6 इंच 8-8 इंच के साइजेस हैं इसमें। ये अक्सर सर वही बॉल है जो हम कार्टून में देखते थे। हाँ हाँ, लोग बॉल गेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जनरल वैसे वास्तु में भी रखी जाती हैं, तो बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स होते हैं, तो जिस बंदे ने यूज़ करनी है उनके लिए है ये। इसके बाद सर स्टोन्स जैसे आप बता रहे थे, ये सारे के सारे स्टोन्स के कैबेजॉन्स हैं, इनको बोलते हैं कैबेजॉन्स। इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 250 तरह के स्टोन्स के ऐसे कैबेजॉन्स मिल जाएंगे, और तकरीबन जो आप देख रहे हो कि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं और कैसे नेचर बनाती है, देखो ये पीस है, इसमें नेचुरल टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है, ऐसे लग रहा है ये ग्राउंड है पूरा, उस पर पेड़ बने हुए हैं और ये बादल का टेक्सचर आ रहा है, इसको डेंडराइट बोलते हैं। एक बार मैं ऐसे आपको सीधा करके दिखा देता हूँ, तो सर ये सब नेचुरल हैं? हाँ जी, नेचुरल स्टोन्स होते हैं ये सारे ऐसे, ये हैंडमेड नहीं है, ये सब आपके सामने आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर एक फॉरेस्ट या एक सीनरी पूरी तैयार है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये हम, तो सर हर एक पीस के अंदर अलग डिज़ाइन होगा? हाँ, ये तो यूनिक है जी, कोई भी पीस किसी से दूसरे से मैच नहीं करता, जो चीज़ जैसी है वो ऐसी है, ये नेचुरल है, नेचुरल सारा, ठीक है। ऐसे ये उसमें मैलाकाइट है स्टोन का नाम, ग्रीन वाला ये, इसमें भी आप देखोगे तो कितने ब्यूटीफुल टेक्सचर्स बनते हैं, और ये भी सब नेचुरल ही टेक्सचर्स आते हैं, देखो पूरा का पूरा उसमें बना हुआ है। तो सर ये पर पीस का सिस्टम रहता है इसमें? हाँ जी, पर पीस पे आता है ये, ठीक है। और ये क्या प्राइस पड़ता है जी? ये जो आपके हाथ में पीस है अराउंड 350 रुपये के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी माला बना इसको सकते हैं? आप नहीं, ये बेसिकली कैबेजॉन्स होते हैं, इसका पेंडेंट बन सकता है, या आप इसको वैसे भी अपने पास अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद सर आगे चलते ये हैं। ग्रीन फ्लोराइट है, और ये भी, और इसके बाद आगे पड़ा हुआ है वो मॉस एगेट स्टोन है, इसके अंदर भी नेचुरल वो बनते हैं, देखो आप, बिल्कुल बिल्कुल। सर इतने बढ़िया बढ़िया आप स्टोन आपने इकट्ठे करे हैं, नॉर्मल मैन तो देख भी नहीं पाएगा। हाँ, ये अपने आप में एक देखने के लिए भी चीज़ है, अगर किसी ने देखना होता ऐसी चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो प्रॉपर मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन आपके सामने है, अल्टीमेट सर, मज़ा आ गया देख के, थैंक यू जी। तो इसके बाद सर किस कैटेगरी में आएंगे हम? इसके बाद ये विंड चाइम्स की कैटेगरी है हमारे पास, ये सारे के सारे फेंगशुई के विंड चाइम्स हैं, और इसमें देखोगे आप तो ये स्टोन के विंड चाइम्स हैं। अच्छा, ये आपके खुद के हैं सर? हाँ, इसको बोलते हैं एगेट स्लाइसेस स्टोन्स के विंड चाइम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो और ये जो इसके बाद सेक्शन है पूरा का पूरा, ये टम्बल स्टोन्स बोलते हैं, और तकरीबन 225 तरह के टम्बल स्टोन्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो ये हर स्टोन का बॉक्स पे नाम लिखा हुआ है कि कौन सा स्टोन कौन सा है, तो हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये हम स्टोन, इसको हम मतलब जो हमारे पास स्टोन्स पड़े हैं, इसको हम एज अ किस पर्पज़ के लिए, मतलब हम ये बेसिकली हीलिंग्स में यूज़ होते हैं, हम इनको हीलिंग स्टोन बोलते हैं, और जो लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तु करते हैं, या रेकी हीलिंग, वो इनको डिफरेंट पर्पसेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा सेक्शन है एक असेंशियल ऑयल्स का, इसके अंदर हमारे पास सारे असेंशियल ऑयल मिल जाते हैं अलग अलग, और तकरीबन हमारे पास 60-65 तरह के डिफरेंट ऑयल्स हैं इसमें, और आप इसको अरोमा के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये असेंशियल ऑयल्स हैं और हीलिंग के लिए भी यूज़ होते हैं ये, ठीक है। एक मैं आपको ये और चीज़ दिखाता हूँ, रोलर्स, आजकल ये बहुत इन कॉन्सेप्ट है, ये रोज क्वार्ट्ज स्टोन का रोलर है, और ये फेशियल्स के लिए यूज़ होता है, और ये ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन का रोलर है, ये नेचुरल स्टोन से बने हुए हैं, तो ये फेशियल्स के लिए यूज़ होते हैं, और आजकल फेशियल के लिए या फेस स्किन के लिए एक और चीज़ यूज़ होती है, ग्वाशा, ये ग्रीन जेड स्टोन का ग्वाशा है, ये रोज़ क्वार्ट्ज का ग्वाशा है, ठीक है। तो इसको सब ब्यूटी के कॉन्सेप्ट्स में आजकल यूज़ कर रहे हैं, और बहुत इसमें भी हमारे पास आपको सब होलसेलिंग में मिल जाएगा, ये आप देखोगे तो, ठीक है। आज हमने सर के साथ काफ़ी एक्सप्लोर करा, हमने जाना क्या कौन से कलर के स्टोन होते हैं, क्या पर्पस होता है, क्या साइज़ होते हैं, क्या डिज़ाइन होते हैं, हम तो सिर्फ नॉर्मल वो मार्बल और वो छोटे छोटे जो होते हैं एक्वेरियम वाले स्टोन देखते थे, पर लेकिन आज काफ़ी नॉलेज दी है सर ने, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या सर से कुछ प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं होलसेल में, तो मोस्ट वेलकम है। अगर आपको रिटेल में बाई करना है, इनकी वेबसाइट मेंशन है, साथ ही साथ दिल्ली के नियर बाय हैं, अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो भी सर आपको रिटेल में ऑफर कर देंगे। दिल्ली में बिल्कुल मेट्रो से हमारी कनेक्टिविटी है, तो आप आ सकते हो कभी भी, ठीक है। तो सब आपका रहेगा नेचुरल स्टोन्स, नेचुरल हीलिंग स्टोन्स, बिल्कुल।
तो ब्रांड नेम हमने नहीं भूनना, ब्रांड नेम हमारा है रेकी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि पड़ता है एमपी मॉल में, एमपी मॉल पीतमपुरा, पीतमपुरा। तो यहीं रोकेंगे वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस लोकेशन मेंशन है, साथ ही साथ इनकी वेबसाइट भी मेंशन है जिससे आप एज अ रिटेल में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते, चाहे आप इंडिया में बैठे हैं चाहे आप बॉर्डर बैठे हैं, कोई बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट आपके घर तक इजीली पहुंचेगा सीओडी के साथ, सीओडी के साथ फ्री शिपिंग, ठीक है। तो यहीं रोकेंगे वीडियो, करेंगे एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक यू।